आज भोरे जब घर से फोन आई हमरे लगे, चूंकि हम लोग 16 तारीख से माननीय मंत्री जी के जन आशीर्वाद यात्रा में हम लोग आगे आगे उनके चल रहे, तब भोरे जब फोन आई तो हम बतौली कि आज लगेला कि हमार मुलाकात समा रिकॉर्डिंग स्टूडियो महाराजगंज के कैसे शख्सियत से होगी, जिस भाई ने गांव गवार की गलियों से छोटे छोटे कलाकारों को मंच दे करके ऑडियो बना करके वीडियो बना करके अपने खर्चे पर यूट्यूब पर लोड करके, हमको लगता है कि हर एक कलाकार को अगर किसी ने मुकाम दिया तो ऐसे अपने समा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के प्रोपराइटर राजन भाई, हाकिम भाई का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिनके जिम्मे वतन की सुरक्षा और वतन जिनके बदौलत सुरक्षित है, ऐसे फौजियों की कहानी अगर ना सुनाई जाए किसी मंच के माध्यम से तो हम लगता है कि कहीं ना कहीं वादा खिलाफ ही होगी। क्योंकि वर्दी कोनो टेलर का सीएल आम कोनो कपड़ा न होले, बड़ी मशक्कत बड़ी रिटेन बड़ी फिजिकल के बाद ये वर्दी जिस्म पर जब चढ़ती है तो जवान तिरंगे के नीचे कसम खा करके पासिंग आउट परेड लेता है कि अपना जान दे दूंगा लेकिन जहान पर कभी आँच आने नहीं दूंगा। ऐसे ही वतन के एक फौजी की दास्ता सुना रहा हूं, जब बिरहा के सुनबा आप लोगन के तो लगी कि हिजड़ा वो नहीं है जो साड़ी पहन करके गलियों में नाचता है, हिजड़ा वो भी है जो इस वतन का दाना पानी खा करके और वतन के साथ गद्दारी करता होगा। कामरे बिरहा का शीर्षक बा सरहद की ओर, लेकिन बिरहा का शुरुआत बा आवा सवरिया भोले बाबा जोगिया होरा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख कुपवाड़ा सेक्टर की वादियों में जौने जम्मू कश्मीर में केसर बादाम की खेती होले हो पंचो, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साले आए दिन खून का फब्बारा उड़ा करके मां भारती के आंचल को रक्त रंजित कर देते। कहानी की शुरुआत में चार लाइन भूमिका है। अब एक वह याद है जो हृदय से निकलकर सीने में शब्दों का खंजर चुभाती, एक वह याग है तोप से जो निकलकर दुश्मन की सारी रियासत जलाती, अगर आपसी फूट होती न यारो तो अंग्रेज भारत में आए न हो, सरहद पे कैसे फहरता तिरंगा अगर वीर गर्दन कटाए न होते, अगर आपसी फूट होती न यारो तो अंग्रेज भारत में आए न होते, सरहद पे कैसे फहरता तिरंगा अगर वीर गर्दन कटाए न होते। देश आजाद हुआ जरूर लेकिन अंग्रेज साले जाते जाते सोने की चिड़िया कही जाने वाली इस धरती हिंदुस्तान को एक ऐसी धधकती आग में धक्का दे करके चले गए जौनी आग से हमारे हिंदुस्तान आज तक उबर ना पोलस। बिरहा में एक लाइन कवाली का टुकड़ा बा हाकिम भैया, क्या काशी क्या काबा, अब कि काबे में तेरा जलवा काशी में नज़र, ले 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 ले
अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, वो भी मुझे प्यारा है, यह भी मुझको बतावल गई। देखा कबो कबो जब स्वर्ग की रामदेव जी बिरहा गावा दी कह कि बिरहा माने रामदेव, रामदेव माने वो बतावे कि कहे खाती मर्दे के 121 पानी है, लेकिन हम ही कहना सिपाही भैया अगर मर्द पानीदार है तब पानीदार मर्दे के लगे खाली एक पानी है, और अपन एक पानी बचावे खाती पानीदार मर्द अपन जान दे देला, लेकिन सर तो कतई न झुकावेला। तो पानीदार मर्दन खाती हमारे को लाइन है कैसे, कि अरे अच्छा है कि मर जाना बेकार क्या जी, बेकार के जीने से, पत्थर पे उगे मोती मेहनत के पसीने से। यही से कहानी कांड की शुरुआत कर रहा हूं। हम ही कहिला 12 बजे रात का, 1 बजे रात का, 1.5 बजे रात का, केहू के बहिन बिटिया अगर हमसे भेटाया जाए, आपसे भेटाया जाए, तो मेरे लिए मौका नहीं है, मेरे लिए जिम्मेदारी है कि वो किसके घर की रहने वाली जाएगी कैसे। पहलवा जब लोग घर से केहू का लड़का निकले तो लोग बिटियन का इंतजार कर रहे कि हमार बिटिया घर सुरक्षित कब तक आ जाएगी, और जब भाजपा की सरकार बनी तब वो लोग लइकन का इंतजार कर रहे कि घरे आ जाने तो कोनो थाना पर कुटैते होई एंटी रोमियो के माध्यम से। लेकिन गीत के मार शुरुआत बा शहर के लाइन में आवा। वतन के नाम पर जो सर कटाया करते हैं उसी के गीत को इतिहास गाया करते हैं। और एक लाइन लाल बहादुर शास्त्री जी कहले रहन जय जवान जय किसान, लेकिन जिस दिन इस कंधे से जवान अपनी बंदूक हटा देगा और जिस दिन इस कंधे से किसान अपना हल हटा देगा, सरकारें कोई भी हो आजादी खतरे में नजर आएगी। वतन के नाम पर जो सर कटाया करता है उसी के गीत को इतिहास गाया करता है। देश को रोकेंगे जब देश चला, देश को रोकेंगे जब देश चला, भला क्या सोचेंगे आजादी दिलाने वाले। और कहानी की शुरुआत जब गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर से देवरहवा बाबा की धरती जब देवरिया की तरफ चलेंगे तो 1857 की क्रांति की लौ जलाने वाली धरती बाबू बंधु सिंह की धरती चौरी चौरा, धरती चौरी चौरा क्रांतिकारी बन गई, धरती चौरी चौरा क्रांतिकारी बन गई, मई तर कुलही की पुजारी बन गई। और वही चौरी चौरा तहसील से जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, पेपर पत्रिका के माध्यम से दैनिक जागरण से लेकर के अमर उजाला से लेकर के राष्ट्रीय सहारा से लेकर के तमाम मीडिया के पत्रकारों में अखबारों में आपने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पढ़ा होगा। चौरी चौरा के ठीक पीछे को गांव पड़ेला गोपलापुर, गोपलापुर गांव में रामा क्या क्या मकाना बाबा, मई सिर जावती के आंख में सपनवा। अब
गौर करी हा जा। गोपलापुर गांव में रामाज्ञा प्रसाद का छोटा परिवार, दुल्हन के नाम सृजावती देवी, भगवान के कृपा से जगह 6 गो बेटवा 3 गो बिठिया 9 औलाद को लेकर के रामाज्ञा प्रसाद किसानी करके परिवार की परवरिश कर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतल, बड़े बेटे का नाम योगेंद्र यादव, दूसरे नंबर का बेटा नागेंद्र यादव, लेकिन जो तीसरे नंबर का बेटा है श्याम नारायण, थोड़ा जब सयाना हुआ, कद काठी में बड़ा फिट है, बाबूजी के को सपना है कि अपने बेटवा पढ़ाई लिखाई के फौज की नौकरी करवा करके माँ भारती की सेवा करवाऊंगा। देखा वर्दी का नौकरी बड़ी मशक्कत से मिले। श्याम नारायण थोड़ा सयाना हुआ और गांव की पगडंडियों में दौड़ बनाना शुरू कर दिया। जब स्वावलंबी इंटरमीडिएट कॉलेज बिशुनपुरा से इंटर करके निकला और सर्वोदय डिग्री कॉलेज जब पीए प्रीवियस का छात्र बना, तो उसी वक्त गोरखपुर कूड़ा घाट जीआरडी के अंदर सेना की खुली भर्ती निकली। अपने 2-4 साथियों को लेकर के श्याम नारायण जब गोरखपुर के लिए चला, तभी रहा में गीत का लाइन बा अब गीत का लाइन बा ये गीत के संत महात्मा लोग आवेलन एलिए गौर करी हा जा गीतिया के लाइन बा की लागल बा लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो बिना जनल सुनल लागल बा चुनरिया बिचवा दाग लेकिन गोरखपुर की पहली भर्ती में देशभक्ति दुनिया की सबसे प्रबल भक्ति होती है। लेकिन गौर करी हा जा लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो बिना जनले सुनल गोरखपुर की पहली भर्ती में जब किसान का बेटा गांव की गलियों में पगडंडियों में दौड़ धूप बना करके फिजिकल बना करके जब चला, तई लाइन तनी वर्दी वाले भाई लोगन के बड़ा हल्का सा टच करी भरती भैल गोपलापुर के लाल हो गौआ के माटी भरती भैल गोपलापुर के लाल हो गौआ गोरखपुर की पहली सेना भर्ती में और रामाज्ञा का बेटा श्याम नारायण पहली भर्ती में सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन खबरिया जब बाबूजी के मिलल कि रामाज्ञा तो कबा कलल मैसी राजावती हो कैली बलन पूरा कई न सब करमान हो गौआ के माँ पूरा कई न सब के गौआ के पहली भर्ती में सेलेक्ट होकर के गांव को पलापुर पहुंचा। बाबू रामाज्ञा प्रसाद बड़ा प्रसन्न हुए कि हमार बेटा हम ही कहना गुरुजी धन बाप का हो घमंड बेटा करे प्रमोद नहीं मानता है, धन बेटवा का हो घमंड बाबूजी करे मतलब उस बेटे का है। यही ले लोग भोजपुरी में कहला पूत सपूत तका धन संचय अपूत कपूत तका धन संचय बेटा लायक है तो धन जुटाने की जरूरत नहीं है और नलायक रही तब जुटाऊ लग जरूरत ना है। उमार दे नगिनिया गांजा 40 बीघा जमीन 40 डिसमिल लेके टहरे लगे। भर्ती होकर के जवान गांव को बलापुर पहुंचा। बाबू रामाज्ञा प्रसाद बड़ा प्रसन्न वन की बारे मालिक जवन सपना पलले रही हमारे बेटा पूरा दिल। धीरे धीरे 15 दिन बीता, डाकिया जब कॉल लेटर दरवाजे पर दिया और श्याम नारायण जब उस कॉल लेटर को खोल करके पढ़ा तो मुरादाबाद पीटीएस के अंदर
ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया गया। जब जाने की तैयारी कर रहा है जवान श्याम नारायण, तो एक तरफ ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रहा और दूसरी तरफ उसकी दुल्हन सुनीता घर के अंदर एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। किसान परिवार रहलन रामाज्ञा प्रसाद, मने मन बड़ा खुश होने की बारे मालिक, बेटवा के नौकरी तो लगभग कल घर में लक्ष्मी के आगमन भइल। दोहरी खुशी लेकर के जवान श्याम नारायण चल दिया ट्रेनिंग के लिए और 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद तिरंगे के नीचे कसम खा लिया, ये अपना जान दे दूंगा लेकिन जहान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। धीरे धीरे जब 4 साल का समय बीता, कई बार श्याम नारायण का आना जाना गांव पर हुआ, लेकिन 4 साल के बाद जब श्याम नारायण की बटालियन की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर के लिए होती है, लेकिन गौर कर लिहाजा कई बार श्याम नारायण का आना जाना हुआ, लेकिन ठीक 4 साल के बाद जब श्याम नारायण की बटालियन जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर के लिए मूव करती है, तो ब्रेक जर्नी के तहत 7 दिनों की छुट्टी लेकर के जवान श्याम नारायण अपने गांव गोपालपुर पहुंचा। 7 दिन का छुट्टिया, सिपाही भैया लोगों से पूछा छुट्टी कितना जल्दी बीते ले, हमन तो घरे रही ले ना, हमन के जैसा सावन वैसा भादो। लेकिन वो 7 दिन की छुट्टी बीत गई जब जवान वर्दी चढ़ाया, बेल्ट बांधा, बूट बांधा, स्टार लगाया, कैप लगाया, पिट्ठू चढ़ाया और जब चलने लगा तो दुल्हन सुनीता हाथ जोड़ के खड़ी होकर कलश हैया जैया से आये लवा आखिया वही दिन से फर्क था। कई बार घरवा आईला, कई बार गईला, कोनो दिक्कत ना, अब की बेरी अखिया जहिया से फर्क था, जहिया से आयल हवा, 2-4 दिन का छुट्टिया बढ़वा लेता। लेकिन जवान वो फौजी, इस वर्दी के नीचे जो जिस्म छिपा है, वतन के प्रति कितना वो व्यक्ति संजीदा होता है, अपनी दुल्हन सुनीता से क्या कह रहा है। वह जवान श्याम नारायण अपनी दुल्हन सुनीता से कह रहा, रे पगली, जब हिंदुस्तान का फौजी अपने अपने दुल्हन के अचला कर रखवारी करे लगी है तो माँ भारती का आंचल खतरे में पड़ जाएगा। जवान क्या कह रहा जरा गौर करिएगा। अरे विचार गोरिया, अरे विचार गोरिया हो तोहरो सैया सिपाही सरदार गोरी, तोहरो सैया सिपाही सरदार। जहिया से वर्दी टोपी स्टार मिल जाले, अरे दसवा के नाम ही जवान लिख जा, कि होला बिरता ही बिरका, अरे सिंगार गोरिया, अरे सिंगार गोरिया हो तोहरो तोहरो सैया सिपाही सरदार। दुल्हन सुनीता को समझा रहा है पगली, वर्दी और टोपी स्टार जिस दिन मिलता है जवानी वतन के नाम लिख दी जाती है, इतना मन 2-4 दिन का छुट्टी लगा ही लगा। लेकिन गीत को वह लाइन बा, पक्की सड़किया अरे बनल सरकार के रहिया के रहिया रोकी बिना हमारे, जवान पावर्ती
नजर पड़ल बाबू के आंख में आंसू, अपने बाप को समझा रहा है कि फौजियों का एक घर नहीं, 130 करोड़ आबादी का देश एक फौजी का परिवार हुआ करता है। रोवा मत बाबूजी। बाबू राम आज्ञा प्रसाद कलन, अरे बेटा ई डर के आंसू हरे कि जौने जम्मू कश्मीर में बादाम की खेती होले, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साले खून का फब्बारा उड़ा देते, वो केसर पिस्ता के रक्त रंजित कर देलन साले। लेकिन माई बाबू भाई कैसे विदा करत हो नो फौजी की, कि माई बाबू भाई अरे निहारल झूम के अबिदा कहिले बाबू लीलावा के झूम, विदा कहिले बाबू लीला और दुल्हन सुनीता पर्दे के आड़ में खड़ी है, थोड़ा इंटरटेनमेंट है जो मामले का, इस विरह का जो रहस्य है, चूंकि मेरे विरह का शीर्षक बा सरहद की, दुल्हन सुनीता पर्दे के आड़ से देख रही है। देखा जब जाए लगेला सब घरवा से तो बेटा याद आवेला, पत्नी याद आती है, माँ याद आती है, बच्चे याद आते हैं, लेकिन जो नौकरी पर जाता है जरा उसके कलेजे से पूछिए क्या बीतता है। लेकिन माई बाबू अपने बेटवा के कैसे विदा कर ले, कि माई बाबू भाई अरे निहारल झूम के विदा कहले बाबू लीलावा के झूम, विदा कहले बाबू लीलावा गाड़ी अरे पहन लिहल वर्दी पकड़ लिहल अपने अरे निहारल घूम के विदा कहले बाबू माई बाबू भाई विदा कर दिए। जवान श्याम नारायण जब चलने लगा पर्दे के आड़ से अपनी दुल्हन सुनीता कुछ कहल चहलन, लेकिन बगलिए में बाबूजी खड़ा हवन बड़का भैया हवन माई हो, बार एक फौजी का संस्कार, माई बाबू के लाज में जवन दिल के बाद दिले में दफन करके गाड़ी पकड़ा जवान चल दिया अपने ड्यूटी पर। और पहुंचा कहां, जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर पर जाकर के आमद करवाया और अपने 11 साथियों को लेकर के एसएलआर एलएमजी के 47 हथियारों से लैस 11 बटालियन 11 जवानों की टोली उस जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में ड्यूटी करना शुरू कर देती है। लेकिन धीरे धीरे जब एक महीना बीता, कितना एक महीना जब एक महीना बीता तो विरह के जवन पड़ाव है जवनी खाती विरह का शीर्षक सरहद की खबर मिली कुछ आतंकवादी। इन सालों की कोई जाति नहीं होती और न इन सालों को कभी अमन चैन पसंद है। खबर मिली कुछ आतंकवादी घात लगाए बैठे हैं, छलनी कर दो कश्मीर को आस लगाए बैठे हैं। जब खबर मिली श्याम नारायण के बटालियन को कि पाक समर्थित 8 आतंकवादी पीओके के रास्ते पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर की वादियों में डेरा जमा चुके, बस उनका एक मंसूबा है कि अमन चैन में रह रहे जम्मू कश्मीर की वादियों को रक्त रंजित कर दिया जाए। और जब खबरिया श्याम नारायण के बटालियन के लगल तो एक फौजी एक सिपाही, बस इसी दिन का तो इंतजार रहता है कि हम है रक्षक भारत माँ के, हम है रक्षक भारत माँ के, अपना फर्ज निभाएंगे, पीठ दिखाना लानत है सीने में गोली खाएंगे। और जब बटालियन को खबर मिली जवान एलएमजी के 47 लेकर के झूम पड़े कि जहां मिले खलिहान कर दो सालों को, जवान एसएलआर एलएमजी के 47 बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर के जब चलने लगे तो जवान श्याम नारायण अपने पीछे के जवानों से एक लाइन कहता है, क्या कहा विरह में गीत लाइन
ये भोजपुरी का बड़ी पुरान गीत है, लेकिन गीतिया का लाइन बा कैसे अरे श्याम नारायण बोला है उमंग में लुटा दो जवानी जानो लड़कियां जिंदगी लुटा दो जवानी जानो लड़कियां अपने जवानों से श्याम नारायण कह रहा कि जवानों एक आतंकवादी बचकर के साले पाकिस्तान की सरजमी पर वापस न जाने पाए, ट्रिगर पर उंगली टिकाया है और गन का पॉइंट कहीं ऊंची खाड़ी कहीं झाई कहीं पर्वत कहीं नाला कहीं नदी, आतंकवादी दिखाई नहीं दे रहे फिर भी जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे। नजर पड़ी श्याम नारायण की बारे गोरखपुर के माटी की पहचान, ट्रिगर दबा दसों गोलियां जाकर के कलेजे में समा गई और कहा श्याम नारायण साले तेरा जगह जन्नत में नहीं दो जख में है, एक कुमारा दो कुमारा तीन कुमारा चार आतंकवादियों को मार करके धराशाही कर दिया, बचे चार चार आतंकवादी, सर्च ऑपरेशन चालू है तब तक एक आतंकवादी की नजर पड़ी। अरे इंडियन आर्मी का जवान मेरे एक पर एक जवानों को धराशाही करता चला जा रहा, आखिरकार वो गद्दार साला अपने गन का पॉइंट इंडियन आर्मी के जवान श्याम नारायण के तरफ गन का पॉइंट सीधा कर ही दिया, और जब सीधा कर दिया तो हुआ क्या, गोलियां सनसन सनसन निकलती हुई श्याम नारायण के कलेजे में दफन हो गई, और जब जवान गिरा तो हुआ क्या, वर्दी सनल खूनवा के रंग में लुटा दो जवानी जोनो लड़कियां अब तो तेरा भाई तेरे बीच से जा रहा है, लेकिन याद रहे बचे आतंकवादी किसी हालत में बच करके पाकिस्तान की सरजमी पर वापस जाने न पाए। लेकिन गौर करिहा जाए, जब जवान माँ भारती की गोद में शहीद हुआ तो माई भारती जवान के सम्मान में एक लाइन हो कैसे तेरी कलाइन में अरे मोरे राम ओढ़ावे भारत माता या चरा सोजा लाल गोद में सीने से लगाए सोजा लाल गोद में सीने से लगावे ओढ़ावे भारत माता या चरा सदा सदा के लिए गोरखपुर गोपालपुर का रहने वाला जवान किसान का बेटा किसान खेत में काम करता जवान सरहद पर अपनी जवानी कुर्बान करता जवान कुर्बान हुआ घर पर किसी को पता नहीं था और क्या इत्तेफाक है अभी पिछली पुण्यतिथि में 4 अगस्त को मैं उसके गांव गया था जवान श्याम नारायण के क्या गांव और घर का मंजर है और परिवार का जब एक कमाऊ पूत मरता भैया तो परिवार के बचे लोगों की हत्या सी हो जाती है यह बात शायद वही समझ सकता है जिसके परिवार का कोई व्यक्ति शहीद होता है लेकिन याद रहे हमने कभी किसी मन से शहीद की पत्नी को विधवा नहीं कहा वो विधवा नहीं वीर वधु होती है जो अपने सुहाग को समर्पित कर देती है वतन के नाम यही सावन का महीना था घर पर किसी को खबर नहीं थी कि मेरा बेटा मेरा भाई मेरा पति वतन के काम आ गया सावन का महीना था श्याम नारायण के एक भाई अपने 2-4 साथियों को लेकर के बाबा धाम की तरफ गए थे बस के अंदर जब मोबाइल की घंटी बजी
मोबाइल उठाए स्क्रीन पर देखे पीएनटी नंबर जेवा कलन हलो बड़े गंभीर स्वर में एक आवाज गूंजी कि आप श्याम नारायण के परिवार से बोल रहे हैं। कलन हाँ साहब उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। कलन उनके अगर बड़े भाई हैं तो कलेजे को जरा मजबूत करिए। एक खबर आपको देनी है। कौन सी खबर मिली, कब मिली, कैसे मिलल? देखा हमन के अगर महाराजगंज में है तो समझ लाई नेपाल के तलहटी है। बाबा नेपालवा में एगो गीत गवा ले, एक पहाड़ी गीत कहेलन। अरे पियावा पियावा मिला ला 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 मुंगवा देखिला सपनवा ये भौजी। लेकिन गौर करी हाजा जवान श्याम नारायण के बड़े भाई नागेंद्र जी को कैसे खबर मिली कि लौटत रहलन, लौटत रहला बाबा धाम से बिरनवा रहे कला दिनवा ये भाई। भाई सही तो भैया मिलल बा खबरिया, झर झर बरसल भैया में नजरिया। कोकवा में डूबल बा जहनवा रहे कला दिनवा ये भैया। जवान शहीद हुआ खबर आज जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी गलियों इसी पगडंडियों में पला बढ़ा। चौरी चौरा गोपालपुर का जवान श्याम नारायण अब इस दुनिया में नहीं है, मां भारती का काम आ गया। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा क्या आखिर सेना की गाड़ी जवान की डेड बॉडी लेकर के कब आ रही है। वो घड़ी आयल जब फूलों से सजी हुई सेना की गाड़ी जवान श्याम नारायण की डेड बॉडी लेकर के जब गांव गोपालपुर पहुंची तो देखा बाप तो बाप, औलाद के गम फौलाद के भितूर के धरा सही कहिए देला। बाबू श्याम नारायण के पिताजी रामाज्ञा प्रसाद खड़ा भइलन। जवान जब ताबूत लेकर के गाड़ी से निकलने लगे, कलन भैया हमार बाबू यही बक्सवा में है का? जवान अपने आंख का आंसू चुरा करके कहे हाँ चाचा शेर की मौत मरा है आपका बेटा। लेकिन वो किसान दहलन रामाज्ञा प्रसाद फौजियन से कहलन का अभाव गीत का लाइन बा। एक गीतिया के स्वर की रामदेव जी गावे और कवि की लिखी हुई लाइन अगर कलाकार सही समय पर गाते तो हकीम भैया वो लाइन अमर हो जाती है कि बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बुनलो पियो। ये कोनो फरियादी दरोगा जी से फरियाद के ले। लेकिन बाबू रामाज्ञा प्रसाद वो फौजियन से का खलन खले जा चीर के लाइन रख दे कि हमरे ललनवा की काहे ले आईला चार कन्हैया परला, हमरे सुगनवा के काहे ले आईला चार कन्हैया परला। हे बाबू रुका हमार बेटा फौजी जवान बक्सा में सुतल हो ना हो सकेला कि हिरन के जैसन छरहर पातर लमहर ऊंची हमरे हमरे कैसे मरल दोगला कैसे
हे बाबू हमार श्याम नारायण एक महीना पहले कि कुछ दिन पहले बाबू हमर घरवा आइल रहले आ छुट्टी लेके आई बोल अपने माई से कही के गईले कि हमरे हमरे कहे न आइल माई के उनके याद हमरे कहे न आइल माई के उनके याद ताबूत का ऊपरी हिस्सा खोल करके जवान की डेडबारी दरवाजे पर तख्त बिछा करके रख दिए सेना के जवान तमाम राजनीतिक दलों के लोग तमाम शासन प्रशासन के लोग 100 चौरी चौरा से लेकर के 100 झंगा 100 खोराबार तमाम प्रशासन के लोग उस जवान की शहादत को सलाम करने के लिए रामाज्ञा प्रसाद के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। ने कहा शहीद और शहादत क्या कॉम्बिनेशन है, और एक शहीद राजधर्म का पालन करता, किसी धर्म का नहीं राजधर्म का पालन। जवान की डेडबाजी दरवाजे पर रखी है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए दरवाजे पर इकट्ठा है, लेकिन घर से मतारी जब निकल हो भैया कलेजा रंगत बूढ़ मतारी जब पेटवा के ताबूत के लगे पहुंचली है, बाबू श्याम नारायण तू अपनी माई के भूल गई रे, कितनी मशक्कत से तो हम पलले रही, जौने दुअरिया से तू चल के गईला वही दुअरा पर तू आज सुतल हवा जगबाना। महतारी अपने बेटवा के जगावत हो सारंगी माजा बाबा आईली जब लसिया दुअर माई भी रहिया रे माई भी रहिया गईला तू हमन के भी दुल्हन सुनी तारो का छोड़ी गईला सैया का छोड़ी गईला सैया विधवा तू हम के बना निधनी तू खुशबू रो कहा छोड़ी गईला पापा कहा छोड़ी गईला पापा तू अरे तू हमन के बनाई। दरवाजे से जवान की लाश सजाई गई, जब जवान की अंतिम यात्रा गोरखपुर चौरी चौरा सिहोर घाट के लिए राप्ती नदी सिहोर घाट के लिए जब जवान की अंतिम यात्रा निकली तब पहपट के लाइन में आवा अरे उठा जनाजा चला रापति तिरवा निरवा बरसला अब पंच तत्व में विलीन भइल हीरवा निरवा बरसला खातिर शहीद भइल गोपालापुर के नहर हो कहते फौजी घुस बैठ को करे तो देश के बाहर हो पाक के छाती पर जबई तो बिरवा निरवा बरसेला रोमा योगिंदर उठे जिगर में बिरवा निरवा बरसेला। अब तो हर फौजी हर जवान ये चाह रहा है कि आतंकवाद का खात्मा हिंदुस्तान से होना चाहिए, और शायद किसी कलाकार ने अभी तक कहा नहीं कि देश की सबसे बड़ी समस्या न जातिवाद न परिवारवाद, सबसे बड़ी समस्या अलगाववाद, अलगाववाद तो खत्म होना चाहिए। लेकिन गौर कर यहां जाए, जब जवान की चिता राप्ती नदी सिहोर घाट पर सजाई गई सैनिक सम्मान के साथ वतन के उस पहरेदार को विदाई दी गई जौने फौजियन के बदौलत हमन के अमन और चैन के नींद घरे सुतीला। लेकिन गौर कर यहां जाए, जब जवान की चिता राप्ती नदी सिहोर घाट पर उस शहीद श्याम नारायण की चिता जब सजाई गई तब बनरसी अल्लाह में आखिरी लाइन है अब कि धनी उमा तारी जवान लाल जन्म वाली भैया बेटा वाके पलला बाबू सपना रे
तवा सजावा लगाइले सब ही के अखिया से आंसू छलकला जवान शस्त्र झुकाए सैनिक सम्मान के साथ वतन के पहरेदार को अंतिम विदाई दी गई। जब तक सूरज चांद रहेगा श्याम नारायण तेरा नाम रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तमाम गगन भेदी नारों से चौरी चौरा गूंज रहा था। लेकिन यह कहानी यही नहीं खत्म होगी, कब तक चलेगा? आए दिन जवानों की डेड बॉडी घर आएगी, कब तक चलेगा? इसलिए अब एक चीज तो कहना है, हम ही कहिला कि जहिया हमारे देश का सरकार ई कह दे, चूंकि जितना पाकिस्तान के आबादी है उतना भारत में हमारे कैदी है, जहिया सरकार कह दे कैदियन का सजा माफ, ओकरे बिहान भर पूरा पाकिस्तान सारा घास फूसना ही नजर आई, बम गोला कौन जरूरत है, घरे पहुंचलन लोग। दुल्हन सुनीता एक दरवाजे पर तस्वीर टंगी है, जरा गौर करिएगा, यह हमारे बिरहा के आखिरी लाइन है और इस लाइन को जरा समर्पित कर रहा हूं शहीद के नाम, और यह उसी को समझ में आएगा जिस परिवार में बीता होगा। दरवाजे पर एक तस्वीर टंगी है बावर्दी श्याम नारायण की, दुल्हन सुनीता सामने खड़ी होगी, कलश सैया अब तक न मंगिया में सिंदूर है न दोनों कलैया में चूड़ी है, अब शरीरिया पर सड़िया सफेद है, हालांकि तू देख न सकेला न महसूस कर सकेला, लेकिन याद दिलावत है कि जौनी वक्त तू ड्यूटिया पर जम्मू कश्मीर जात रहला, हम पर्दा के आड़ में खड़ा रहली, तू कुछ कहल चाहत रहला, लेकिन बाबू का सम्मान, माई का सम्मान, भैया का सम्मान दिल के बाद दिल में दफन करके चल दिया। वह विरहन पागलपन की अवस्था में तस्वीर से क्या सवाल करती है? अब चलत के बेरी ओ बेरी वाली जवनी वक्त जात रहला सरहद पर, की चलत के बेरी वाली पतिया सैया मोर बताई दा, मुहवा खोली एक बेर तनी हमारा के सुनाई दा, मुहवा रामलाल मरपावन स्वर्ग कवि चंद्रिका पच्चन के गी सुहावन, उड़ावे भारत माता यजरा परमो सुनील कुमार मस्तारद शीर्ष झुकावे, रिलिया बैरन पिया कलियो जायर